झारखंड पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की बोकारो जिला इकाई ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वागत में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान संस्था के सचिव सर्वेश दुबे ने गैर सरकारी निजी विद्यालयों के विकास एवं समस्याओं से संबंधित 10 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन शिक्षा मंत्री को सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री महतो ने कहा कि निजी विद्यालयों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने सभी गैर सरकारी निजी विद्यालयों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से कम एक बच्चे को गोद लेकर उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च स्कूल को उठाने का निर्देश दिया। वहीं निजी विद्यालयों के रीएडमिशन फी लेने पर कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश दिया। काम क्लियर कराइए। हमने अभी हमारे दुबे जी ने जो 10 सूत्री मांगे पढ़ रहे थे, अभी पहले से वाकिफ हैं, पहले से जानकारी है। हम लोग गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, हम लोग गैर को हटाने के लिए विद्यालय निजी में थोड़ा सा डाउटफुल लगता है निजी, हम लोग इसको प्रयास जितना कम से कम में ज्यादा अच्छा हो। नियम तो एक बनना चाहिए, बिना नियम के कुछ चलता नहीं। यदि आप कहीं हमारे सभी शिक्षक लोग कहीं पढ़े होंगे तो नियम के तहत ही पढ़े होंगे, नियम से बाहर कोई नहीं। इसका नियम के लिए हम लोग आपको बता देना चाहते हैं, गैर मान्यता प्राप्त के लिए हम लोग गिरिडीह से शुरू कर दिए हैं। बृहस्पति शुभकामना आपको, इसमें हम रोक भी नहीं रहे। आदमी जो इच्छा है रोकना नहीं चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इसमें एक मांग छोड़ दीजिए, जितने स्कूल है जितना जिसका औकात है, औकात के अनुसार एक गरीब बच्चे का गोद में लेकर उसको अधिकारी बनाने तक पढ़ने का कोशिश करना चाहिए। बच्चा जो नहीं पढ़ पाएगा उसमें यदि हमारा कोई सहयोग की जरूरत है तो जगन्नाथ महतो अपने तनख्वाह के बदल सहयोग करने के लिए एक एक बच्चा को गोद लेंगे। ये ज्यादा शायद आपको ज्यादा संतुष्टि हुई काम करना है। निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ा के संतुष्ट करेंगे। सर ये अभी रीएडमिशन का मामला अभी एक महीना में आने वाला है और आप सरकारी स्कूल विजिट कर रहे हैं। रीएडमिशन के मामले में हमने और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी साफ साफ बोल दिए हैं कि परीक्षा फीस नहीं भी दिया तो रोका नहीं जाएगा।